नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे आप यकीन मानिए, अगर कोई अदर व्यूवर्स आपके वीडियो का लिंक जो है दूसरे जगह शेयर करता है, तो आपके चैनल का मोनिटाइजेशन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक वीडियो हम पहले अपलोड किए थे, जिस वीडियो के थ्रू व्यूवर्स को ये बताए थे कि अगर आप यूट्यूब पे लंबा चलना चाहते हैं, तो भूल कर भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब के किसी भी वीडियो को, जो आपका वीडियो है, उसका लिंक ना तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और ना ही फेसबुक पे शेयर कीजिए और ना ही इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। आज के डेट में आप देखते होंगे काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं, वही अधिकांशतः ये गलती करते हैं कि अपने वीडियो का व्यू सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बढ़ाने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं। वो जानते हैं कि फेसबुक पे आसानी से जो है वहां पे फ्रेंड मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने उस यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है फेसबुक पे जाकर पार्टिकुलर जो है वहां पे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक भूल कर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि यूट्यूब को मालूम होता है कि आपका जो वीडियो चल रहा है, कोई भी दर्शक आपके वीडियो को देख रहा है, तो वो वीडियो जो है सर्च करके वो व्यक्ति देख रहा है या फिर वो लिंक पर क्लिक करके देख रहा है। इतना यूट्यूब बेवकूफ़ नहीं है, तो यूट्यूब को कम से कम इतना मालूम जरूर होता है, जिसके थ्रू हम दर्शक को वहां पे सचेत किए थे कि आप अपने वीडियो का लिंक भूल कर भी शेयर वहां पे मत कीजिए। लेकिन उसी में एक ऐसे व्यूअर से जिनके तरफ से ये कमेंट पोस्ट किया गया है कि ठीक है, हम पार्टिकुलर अपने वीडियो का लिंक शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे वीडियो को कोई अदर व्यक्ति शेयर करता है तो वहां पे क्या होने वाला है। तो यहां पे ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हम आपको शेयर करने के लिए यहां पे स्पष्ट नहीं कहे थे कि आप शेयर कर ही नहीं सकते हैं। आप अपने किसी भी वीडियो का लिंक जो है 5 या 10 जगह बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप व्यू बढ़ाने के लिए आप 50 जगह उसको शेयर कर रहे हैं, तो ये तो यूट्यूब को मालूम चल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए जो है अपने लिंक को शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि मान लीजिए मेरे वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं, जो आप देख रहे हैं, अगर हमारे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, तो आप कितना जगह शेयर कर सकते हैं? एक नहीं तो 5, इससे ज़्यादा आप शेयर नहीं करेंगे। आपको जहाँ पे लगेगा कि इस वीडियो की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादा हम दर्दी होगा कि चलिए हम इस क्रिएटर्स को पसंद करते हैं, तो इनको वीडियो को जो है अदर जगह हम शेयर कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो 5 जगह शेयर कर सकते हैं या फिर 10 जगह शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यूवर्स आपके वीडियो को जो है 50 जगह शेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूट्यूब यही समझता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को हायर किए हुए हैं, यानी कि जो भी व्यूवर्स आपके वीडियो का लिंक जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाके शेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को हायर किए हुए हैं, आप उस व्यक्ति को बोले हुए हैं कि आप मेरे वीडियो का लिंक जो है आप जाकर शेयर कीजिए। और यही कारण है कि अगर अदर कोई व्यूअर्स आपके वीडियो का लिंक जो है 1 या फिर 5 या फिर 10 बार शेयर कर देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिन भर में आपके वीडियो का लिंक जो है 50 जगह शेयर करता है, और प्रतिदिन जब जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तब तब वो दर्शक जो है आपके वीडियो का लिंक शेयर करेगा, तो यूट्यूब को कहीं ना कहीं इतना स्पष्ट मालूम चलेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी को हायर किए हुए हैं। और जैसे ही कंटिन्यू भी आपका 10 दिन तक 15 दिन तक चलता रहेगा, उसके बाद YouTube आपके चैनल का जो मोनिटाइजेशन है उसे ही डिसेबल कर देगा। तो खास यही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे कि एक तो सबसे पहला, अपने किसी भी YouTube वीडियो का लिंक जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप भूल कर भी शेयर नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ अगर दूसरा कोई व्यक्ति शेयर भी करता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई अदर व्यक्ति शेयर भी करेगा तो 5 बार शेयर कर सकता है या फिर 10 व्यक्ति के बीच शेयर कर सकता है, वो व्यक्ति 50 व्यक्ति के बीच जो है शेयर बिल्कुल नहीं करेगा।